कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बसा छोटा सा गांव कसोल आजकल सूना पड़ गया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि बिना रजिस्ट्रेशन से अवैध रूप से चल रहे होटल्स को बंद कर दिया जाए, जिसके चलते कुल्लू के कसोल गांव के कई होटल्स, रेस्ट हाउस और होम स्टे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रशासन ने कसोल के 60 होटल्स की लिस्ट बनाई और उसमें से 44 होटल्स को बंद कर दिया है। इससे कसोल में पर्यटन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कसोल में जहां होटल्स बंद होने से लोगों का अपनी रोजी रोटी चलाने में भी अब दिक्कत पैदा होने लगी है, वहीं यहां पर टूरिस्ट का आना भी बंद हो गया है। कसोल में होम स्टे और होटल चलाने वाले लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिना नोटिस दिए ही उनके होटल्स व होम स्टे की बिजली पानी काट दी गई है। साथ ही इन आदेशों के बावजूद भी प्रशासन द्वारा सही तरीके से इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि नए साल आने पर कई बुकिंगें भी इन लोगों ने की थी, जिन्हें अब कैंसिल करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कसोल के 44 होटल्स को अवैध घोषित कर दिया है, जिन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं करवा रखा था। जबकि लोगों का कहना है कि कसोल में लगा SADA कानून के कारण ही उन्हें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है और NOC ना होने के कारण ही वो लोग होटल्स को रजिस्टर करवाने में असमर्थ हैं। वहीं उनकी मांग है कि कसोल व मणिकर्ण में लगाए गए साडा को हटाया जाए, क्योंकि कसोल जैसे छोटे गांव में भी इसके अंतर्गत अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है, ना ही साडा का कसोल को कोई फायदा मिल पाया है। ये जो जजमेंट हाईकोर्ट ने दी है, उसकी वजह से आज की डेट में ये हालत हो गई है कसोल में कि लोगों के रोजगार के साधन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और इसकी वजह से सिर्फ उन्हीं लोगों पे इफेक्ट नहीं होगा जो लोग होटल चला रहे थे, जिनके जो घरों की बिजली और पानी काट दिए गए हैं। उसके अलावा जब टूरिस्ट नहीं आएगा, जब टूरिस्ट को रुकने की जगह नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि उसका असर पूरी की पूरी मार्केट में देखा जाएगा। लोगों के ढाबे, रेस्टोरेंट और जगह जो है वहां पे भी ये असर जो है देखा जाएगा। और साथ के साथ जो खरीदारी की जगह है, दुकानें हैं, वहां पर भी जब टूरिस्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे बिक्री नहीं होगी तो वो लोग अपना किराया कहाँ से निकालेंगे। तो इसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है ग्लोबल, मतलब पूरे कसोल के ऊपर पड़ेगा, लोगों के ऊपर पड़ेगा, इधर उधर। जब हमारी बाइंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो उसका असर और मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग तो यही आग्रह करते हैं कि हाईकोर्ट अपनी जजमेंट को एक बार दोबारा से रिव्यू करे और हमें थोड़ा समय दे, ताकि हम लोग अपने कागज जो है बाकायदा तैयार कर सके और साडा अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन होटल्स की करवाएं। हमारा तो ये ऐसा है कि हमारे जो कसोल में जो एक कार्रवाई कर रही है प्रशासन, उसमें से कुछ एक त्रुटियां भी रही है। जैसे कि हमारा होटल है अपना, उस होटल की रजिस्ट्रेशन जब बाकायदा की हुई है, उसके बावजूद हमारा बिजली पानी काटा गया और हमारे डॉक्यूमेंट्स बताने के बावजूद भी इन्होंने जबरदस्ती काटा। हमें जानना चाहते हैं कि ये किस ऑर्डर के तहत कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ जो लोगों में रोष है और जो कईयों के साथ नजायज भी कर रहे हैं, जिनके ऑलरेडी कागज हैं, कुछ ने रजिस्ट्रेशन करवा भी रखी है, ये रजिस्ट्रेशन के कागज हैं हमारे, इनको बताने के बावजूद भी उन्होंने हमारा बिजली पानी काटा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कानून में ऐसा करने की किसी को भी इजाजत है? क्या हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि आप किसी के भी क्या नाम घर में जाके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाने के बावजूद बंद किया जाए? कितने कर होटल्स यहाँ पे तो मैक्सिमम लिया हुआ है मैम लोगों ने ना, यहाँ पे GST मैक्सिमम है, ज्यादातर लोगों के पास मतलब GST है। दरअसल प्रॉब्लम आ रही है टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन करने की। टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की NOC मांगते हैं, जो इनको साडा से लेनी पड़ती है, और साडा के नियम थोड़ा सा टफ है कि भाई लोगों को उसकी NOC नहीं मिल पा रही है, इस करके लोग नहीं। बाकी तो लोग तो सब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हैं, अगर या तो फिर टूरिज्म की कुछ ऐसी पॉलिसी बने, सिंगल विंडो पे लोग आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दें तो लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन, क्यों नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन? जिन्होंने GST लिया हुआ है तो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए कि कम से कम GST उनके पास है, तो वो लोग टैक्स भर रहे हैं सरकार को, तो सरकार को भी पता है कि भाई, प्रशासन को पता है कि भाई वो लोग GST ले लिया है, GST मिल रहा है, वो लोग टैक्स भर रहे हैं, मगर सिर्फ टूरिज्म की वजह से क्यों आप लोग सब ये सब देख रहे हैं? तो हर एक एंगल से देखा जाए ना। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का था, एक इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया का है, बेड एंड ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम है, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अब उनको भी बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग बेड एंड ब्रेकफास्ट में कैसे कर रहे हो जब तक हमारी NOC नहीं है? ये तो मतलब मुश्किल हो गया ना लोगों को। कुछ लोग कर रहे थे बेड एंड ब्रेकफास्ट में, हम लोग भी कर सकते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट में, अगर सरकार बोलेगी तो सब लोग बेड एंड ब्रेकफास्ट में कर लेंगे रजिस्टर्ड इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया में, मगर ये लोग अगर माने तो है ना। हाँ, तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम साडा की है, या तो फिर सरकार कोई ऐसी स्कीम बना दे, हाईकोर्ट ही आदेश कर दे कि भाई लोगों को जो है इसमें राहत मिले,
रात मिले और ऐसी कोई स्कीम बने कि आप लोग जो है सिंगल विंडो से आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए तो लोगों को बेहतर होगा ना। तो यही प्रॉब्लम है इस तरह की आ रही है कि रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तब लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो लोगों को क्या है, 1000 से कम तो आजकल टैक्स ही नहीं लगता है, फ्री कर दिया टैक्स फ्री, तो लोगों को अच्छा था, मगर ये प्रॉब्लम आ रही है बीच में ना टेक्निकल। हम सब रजिस्टर करवाना चाहते हैं लेकिन बहुत सी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं जो कि यहाँ पे हम दे नहीं पाते हैं। यहाँ पे हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है वो बहुत छोटी है, तो उसमें अगर हम आगे जगह छोड़ते हैं पीछे छोड़ते हैं तो बीच में 2 फुट जगह बच जाती है, उसमें हम क्या बनाएंगे उस रूल के हिसाब से। लेकिन हम इसमें राहत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से साडा हटे या फिर हमारे को राहत दी जाए। और मेरी HTD से ये बहुत दरख्वास्त है कि वो हमारे प्रमोट के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब टूरिज्म जहाँ पे विकास हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आगे आ जाते हैं, सबसे पहले विकास के लिए क्या करते हैं, विकास के लिए कोई भी साधन कुछ भी नहीं किया है। आपने देखा होगा कसोल में क्या किया, टूरिज्म को किसने विकास दिया, हम खुद लोकलों ने अपने ईमानदारी से इसको विकास दिया है। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं बढ़ाया हमारे लिए, कोई भी फैसिलिटी दी नहीं दी। मैम नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब यहाँ लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, नीचे खुद रहते हैं, ऊपर थोड़ा सा किराए में देते थे, आज जो है सब सड़कों पर आ गए हैं, तो चूल्हा जलना भी नसीब नहीं है आज, तो बहुत दुख हो रहा है। आप देख रहे हैं ठंड का समय है, बिजली पानी काट दिया गया है, तो बिना नोटिस के, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इससे पहले एक भी नोटिस दिया होता तब भी अपना इंतजाम कर लेते, तो ऐसे खड़े खड़े सब सड़कों में आ गए हैं। तो ये सब वजह है साडा की, हम सब जो है रजिस्टर करने के लिए तैयार है, तो साडा जो है यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ साडा का कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी नहीं है, साडा के तहत कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है साडा के तहत, साडा यहाँ से हटाया जाए, हम सब रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। वो बात मेरे ध्यान में आई है, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रशासन से इन होटल्स के प्रति कोई रिपोर्ट मांगी और संभवतः 7 तारीख को 6 तारीख को ये रिपोर्ट प्रशासन की ओर से सबमिट हुई है कि कितने होटल यहां हैं, कितने रजिस्टर्ड है, कितने अनरजिस्टर्ड है। और जो रिपोर्ट गई है क्योंकि जल्दी में बनी है, हो सकता है इसमें कहीं त्रुटियां भी रह गई हों, क्योंकि सोच समझ के काम करने का अवसर मिले तो कुछ और बात होती है। क्योंकि एकदम मांगी और हाई कोर्ट के जो निर्देश होते हैं उसका अनुपालन करना प्रशासन का दायित्व बनता है। मुझे बताया गया है कि 60 होटल्स की इस प्रकार की सूची गई और 60 में केवल 14 ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, या 16 ऐसे हैं, बाकियों के पास कोई 44 के पास कुछ भी नहीं है। और यहां ये जगह साडा के अंतर्गत है, जब से साडा बना है तब से लेकर यहां लोग विरोध करते रहे। वर्तमान सरकार ने आश्वासन भी दिया लेकिन जब कैबिनेट में मामला आया तो फिर ये रह गया, फिर सरकार ने ही कहा कि इसको साडा के अंतर्गत रहने दो। मैं साडा का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि साडा के विरुद्ध मैंने भी अभी सरकार को लिखा है, प्रशासन को लिखा, अभी सरकार तो आप जानते हैं कि 4-5 दिन में नई सरकार बैठेगी, 8-10 दिन में। तो मैंने हाई जितने भी यहां प्रशासन में हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं उनको भी लिखा है कि इसकी रिपोर्ट्स तैयार करें, लोग बहुत तंग हैं। तंग इसलिए हैं, कौन नहीं चाहता कि हम 2 रोटी अपने शांति से चैन से खाएं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे लेकिन जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो साडे का NOC चाहिए। वो साडा जो इनका, आप जानते हैं ये सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, पुराने घर हैं, उनको डेवलप करके एक सरकार ने स्कीम चलाई थी पेइंग गेस्ट हाउस। वो पेइंग गेस्ट हाउस के अंतर्गत इन्होंने थोड़े थोड़े मरम्मत करके, थोड़े एक्सटेंशन करके, अनजाने में, क्योंकि यहां ना तो साडा का स्टाफ है ना कुछ ना कहा, जब कोई NOC मांगने लगता है तब उसको पता लगता है कि हमें NOC चाहिए, नहीं तो ये ग्रामीण क्षेत्र है। और जब जाते हैं तो कहते हैं पहले इसको उखाड़ो, उसको उखाड़ो, इतना सेटबैक छोड़ो, इतना आपको ये छोड़ना होगा तब वो पास होगा, यही विलंब का कारण रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर साडा खत्म हो जाता है तो कौन नहीं रजिस्ट्रेशन करवाएगा, नेचुरली रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इलीगल काम क्यों करेंगे।
इसलिए लोगों को इस समय बहुत परेशानी आई है। आप देख रहे हैं कि बादल मंडरा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, इनके कई घरों के तो अब चूल्हे भी बंद है। मैंने थोड़ा सा प्रशासन से निवेदन किया था, शायद उस पर थोड़ी सी कार्रवाई भी हुई, कि सरकार जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है वो होटल्स को लेकर है, पेइंग गेस्ट हाउस के लिए नहीं है। जो पेइंग गेस्ट हाउस है वो भी साथ में आपने गिनती में दे दिए हैं, ऊपर की मंजिल में ये खुद रहते हैं, नीचे होटल है, या नीचे खुद रह रहे हैं ऊपर होटल है, तो जब आप मीटर्स ले जाएंगे तो फिर तो चूल्हा चौका भी बंद हो गया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कुछ संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों को इस प्रकार से जिनके घर हैं उनके लिए एक मीटर सेपरेट छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों के बंद हो गए। और ये भी है, मैंने जैसा अब आरंभ में कहा कि जब जल्दबाजी में कोई काम होता है तो कोई बेचारा बेकसूर भी लपेट में आ जाता है और कोई कसूर बार भी बच जाता है, इसलिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अगर दे दी होती तो अच्छा रहता। और अब हाईकोर्ट में गए हैं लोग निवेदन करने, क्योंकि कोई सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाह रहा है, जो समस्या है वो साडा है। अब साडा का इलाज तो सरकार के बैठने पर ही होगा, तब ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन वर्तमान में इनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी दिक्कत है, ये मैं आप भी समझ गए होंगे, और आपके माध्यम से मुझे लगता है जो भी आपकी इस वार्ता को देखेंगे उनके भी समझ में ये बात आएगी। ये हाईकोर्ट का निर्णय है, इसको तो कहीं ना कहीं अपील करनी होगी, उसके लिए कुछ लोग जा चुके हैं, वो शिमला पहुंचेंगे, वो कंसल्ट करेंगे और निश्चित रूप से फिर हाईकोर्ट में जाकर अपील करनी होगी, उनसे निवेदन करना होगा, अपॉर्चुनिटी मांगनी होगी कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दी जाए। और कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता है।